नमस्कार, द प्रिंट के पॉलिटिकल अड्डा में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा डिस्कस करेंगे जो देश में सभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। 7 फीमेल रेसलर्स ने बीजेपी एमपी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शारण सिंह के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाया है सेक्सुअल हैरेसमेंट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। इस मुद्दे को लेके रेसलर्स की कम्युनिटी, जिसमें देश के टॉप रेसलर्स हैं, वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी तक ये जो डेडलॉक है बिटवीन द रेसलर्स एंड द गवर्नमेंट, ये अभी तक इसका कोई निर्णय या फिर कोई नतीजा नहीं आया है। आज पॉलिटिकल अड्डा में हमारे साथ, हमें ज्वाइन करते हुए हैं हमारे सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट शंकर अनिमेश, जो बीजेपी भी देखते हैं बहुत सालों से, एंड हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं प्रोफेसर शशिकांत पांडे फ्रॉम द बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर संजय गुप्ता फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। आप दोनों को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर, पहले आपके पास आऊँगी। ये बहुत दिनों से ये मुद्दा चल रहा है, पहले भी रेसलर्स जो हैं वो सड़क पे आए हुए थे, तब उन्होंने बोला था इसको हम पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं और लोग इसके बारे में बात करें। बीजेपी के तरफ से अभी तक इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, अभी पार्टी कैसे देख रही है इस मुद्दे को? देखिए, पार्टी के लिए एक तरह से कहें कि ये इशू उस तरह का मुद्दा है कि आप इसको निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते। यानी कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि 6-time MP हैं, उस पूरे इलाके में आप देखें कि गोंडा से बहराइच जो पूरा इलाका है, जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो 4-5 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पे अपना होल्ड रखते हैं, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। न केवल उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बल्कि अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनकी अपनी जो खुद की पर्सनल वेबसाइट है, उसमें 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को संचालित करते हैं। यानी कि 54 ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, जहाँ पे लॉ की, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। 1,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट उनके इस एजुकेशनल का जो एम्पायर है उसमें पढ़ते हैं। और ये सारे जो विद्यार्थी हैं, सारे जो टीचर हैं, वो एक तरह से बीजेपी के लिए पन्ना प्रमुख का भी काम करते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये सारे जो उनके विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, वो इलेक्शन कैंपेनिंग में भी असिस्टेंस का काम करते हैं बृजभूषण शरण सिंह के लिए, बल्कि बीजेपी के लिए भी। तो इसलिए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, चाहे वो बीजेपी से हों, सपा से हों, हर पार्टी उनको टिकट देने में इंटरेस्टेड होती है। उनके लोग कहते हैं कि हमें तो सिर्फ सिंबल चाहिए, पार्टियां ओबलाइज होती हैं बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने में। तो एक उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, दूसरा एजुकेशनल जो एम्पायर है उसका अपना एक इन्फ्लुएंस है, तीसरा जो रेसलिंग फेडरेशन है जिसके जरिए पिछले 10-15 सालों में उन्होंने एक क्लाउड खड़ा किया है, और इससे पहले भी अयोध्या से लेके उस पूरे इलाके में वो VHP के साथ, RSS के साथ बहुत उनका क्लोज एसोसिएशन रहा है। अशोक सिंघल जो VHP के बड़े नेता थे, राम जन्म आंदोलन के बड़े प्रणेता थे, बड़े नायक थे, उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। आप अयोध्या में जो साधु संत है उस कम्युनिटी के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे। तो एक हिंदुत्व का एजेंडा, दूसरा रेसलिंग फेडरेशन का एजेंडा, का जो एम्पायर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारा मिलाकर उनका क्लाउड बनता है। इसलिए बीजेपी, आप देखें कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी आपके जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो ओलंपियंस हैं, वो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। आपकी जो बीजेपी का जो नैरेटिव है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री वो सारे जो स्पोर्ट्समैन आते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद वो सारे नायक जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और बीजेपी को हिचक रही है कि उनके खिलाफ एक्शन ले या ना ले। एग्जैक्टली, तो ये सारे सवाल हैं जो हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले सर आपसे सवाल कि पांडे जी, आपसे सवाल पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो बृजभूषण शरण सिंह का जो क्लाउट है, लेकिन इसके समानांतर आप देखें, इसके पैरेलल देखें कि बीजेपी खास करके जब इस नैरेटिव की बात करती है कि भाई वो एक बेटी, महिलाओं के प्रति उनका सम्मान बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, वैसे समय में आपको लगता है कि ये बीजेपी के नैरेटिव के अगेंस्ट जा सकता है अगर बीजेपी ने इन पर कार्रवाई ज़्यादा दिनों तक टाली तो? जी धन्यवाद अनिमेश जी, मुझे अवसर देने के लिए अपनी बात रखने का। बिल्कुल आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यह मामला जो है वो लंबे समय तक खिंच रहा है, उसमें अगर यह कंटिन्यू किया आगे तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि पहले जब ये लोग पहलवान धरने पे बैठे थे तो ये एक नॉन पॉलिटिकल उन्होंने इशू बनाया था, उन्होंने कहा था कि इस पर जो है वो कुछ कार्रवाई की जाए,
और उसका सरकार को जिस तरह से संज्ञान लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, एक टाइमली इंटरवेंशन जो होना चाहिए था टॉप लेवल से वो नहीं हुआ। और ये सोचने की बात है कि जब एक तरफ आप जैसा जिक्र किया कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करती है और तमाम इस तरह की बातें करती है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो लड़कियों के और उनके वेलविशर्स हैं, और दूसरी तरफ ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये कोई बहुत हल्के फुल्के लोग नहीं, खासतौर से इसमें जो तीन जो लीडिंग नाम है विनेश फोगाट का, उसमें बजरंग पूनिया का, साक्षी मलिक का, ये तीनों ओलंपियन हैं, ये तीनों ओलंपिक में मेडल विनर्स, अगर ये वल्नरेबल हो सकते हैं तो फिर तो कोई भी वल्नरेबल हो जाएगा। और ऐसे में ये बहुत सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है, सेक्सुअल एलिगेशंस के मामले हैं, और इस पर जो है सरकार को शायद इसका त्वरित संज्ञान लेना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। टाइमली इंटरवेंशन सरकार का, अगर कमेटी आपने कॉन्स्टिट्यूट कर दी लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में क्या है वो पब्लिक नहीं हुई, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, दोबारा वो धरने पे बैठ गए, और अब उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट भी जो है वो धीरे धीरे उन्होंने मांगना शुरू किया, और एक तरह से ये मोमेंटम अगर गेन करेगा तो सरकार निश्चित रूप से वो बैकफुट पर होगी। मुझे लगता है कि एक टाइमली इंटरवेंशन की आवश्यकता है, और एक तब जाकर के कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू जो है कहीं एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगा। एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे तुषार मेहता जी, एंड आई वुड लाइक टू कोट हिम और वर्ड बाय वर्ड जो उन्होंने कहा था कि वी प्राइमा फेसी फील दैट इट मे नीड अ लिटिल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर वी रजिस्टर FIR। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि एक तरफ एक कॉमन सिटीजन के अगेंस्ट में कोई बात होती है आप तुरंत FIR रजिस्टर कर लेते हो बिना कोई प्राइमा फेसी इंक्वायरी के, और यहाँ पर जो एलिगेशन जो लग रहे हैं वो एलिगेशन इतने जो ये हमारे एक तरह से एसेट्स है जो हमें ओलंपिक में मेडल विन करके जीत करके ले आकर के देते हैं, तो उसका संज्ञान लेना चाहिए था और उस पर कम से कम जो है आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो अभी तक सरकार ने देरी की है, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बैकफुट पे है। प्रोफेसर गुप्ता, आपसे अगला सवाल कि मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की जो वेबसाइट है उसको पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब वो स्टूडेंट यूनियन के दौरान जो पॉलिटिक्स शुरू कर रहे थे उस दौरान एक ऐसी घटना हुई थी कि जिसमें ढेर सारे लड़के थे वो लड़कियों को छेड़ते थे कॉलेज में, और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की और यहाँ से स्टूडेंट यूनियन लीडर के रूप में वो इवॉल्व हुए। आज तकरीबन 40 सालों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह सेक्सुअल हरेसमेंट के मामले में उनके खिलाफ रेसलिंग फेडरेशन और ढेर सारे जो रेसलर हैं वो आरोप लगा रहे हैं। उत्तर भारत की जो पॉलिटिक्स है, अगर अब बिहार यूपी की पॉलिटिक्स की हम बात करें, खास करके जिस दौर में इस तरह के नायक कहें कि सोसाइटी से निकले और राजनीति में वो एंटर किए, जो रॉबिन हुड इमेज के जो नेता बने, चाहे वो आनंद मोहन सिंह हो या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह हो या फिर कहें कि मुख्तार अंसारी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना दबाव होता है या कितना मुश्किल होता है कि ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना, क्या प्रलोभन होता है, एल्यूरमेंट होता है ऐसे लोगों को बढ़ावा देना देने के पीछे? थैंक यू अनिमेश जी, ये जो आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है दीज आर द पेरिल्स ऑफ बिग पार्टी पॉलिटिक्स व्हेन यू आर इन पार्टी एंड व्हेन यू आर ऑक्यूपाइंग अ सीनियर पोजीशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रजभूषण शरण सिंह, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबल लीडर्स ऑफ द पार्टी हु आर पेट्रोनाइजिंग आई मीन दीज बिग पीपल। जब आप पब्लिक डोमेन में है एंड व्हेन यू आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द कॉमन पीपल एट लार्ज, you will have to be, you know, mentally prepared and ready to pass through such critical situation during a political career. हमारे बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, देखा जाए तो अमित शाह जी के डोमेन में आता है because he is the home minister, directly it may fall under the अनुराग ठाकुर से jurisdiction, लेकिन overall तो जो है अमित शाह जी हैं। So before the Prime Minister comes into picture, I think that it is basically Shri Amit Shah ji, I mean, who should take lead in this direction. और जैसे आपने शुरू में बहुत अच्छी बात कही आपने कि देखिए कोई भी पार्टी के लिए इट इज नॉट आई मीन एन ईजी टास्क ईदर टू थ्रो दैट पर्सन आउट ऑफ द पार्टी फोल्ड और टू आई मीन कीप हिम वेलकमिंग और टू कीप हिम कजोलिंग और ह्यूमरिंग आई मीन इन गुड सेंस। हर पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होती है एंड इट इज यू नो इट इज फाउंड दिस काइंड ऑफ थिंग इज फाउंड अक्रॉस ऑल पार्टी फॉर्मेशंस। लेकिन यहाँ पर यही तो आपकी अकाउंटेबिलिटी, यही तो आपकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी है। अगर आपको याद हो आज से 3 महीने पहले
ये मामला बहुत ज्यादा जोर शोर से आया था, जैसे शशिकांत जी ने भी कहा कि ये एक नॉन पॉलिटिकल इशू था, और उस समय एक तरह से जब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब ने इंटरवीन किया, देन एट दैट टाइम देयर वाज आई मीन सम काइंड ऑफ होप कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट क्वार्टर कि संभवता कि गवर्नमेंट इज नाउ सीरियस, पर अभी तक हो सकता है उसके संज्ञान में इतने फाइनल डिटेल्स नहीं आए थे, बट आफ्टर अ स्पेट ऑफ मीटिंग्स यू नो एंड दैट मीटिंग वाज वेरी वाइटल वेरी क्रूशियल इन द सेंस कि रात को 2:30 बजे तक वो मीटिंग चली थी एंड श्री अनुराग ठाकुर हैज स्पेंड लॉट ऑफ हिज टाइम एंड एनर्जी, बट अब हम क्या देख रहे हैं, इट इज सिंपली एंटी क्लाइमेक्स। 3 महीने का उन्होंने जो अश्योरेंस दिया था ये एथलीट से, उन सबने उस गवर्नमेंट की बात को रिस्पेक्ट किया, मिनिस्टर की बात को रिस्पेक्ट किया, बट आफ्टर 3 months व्हाट इज आई मीन कमिंग आउट ऑफ द एंटायर प्रोसेस, वो देख रहे हैं इट वॉज जस्ट आई मीन यू नो अ शैम प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो अब इसको हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि आपने 3 महीने क्या किया, आपने ओवरसाइट कमेटी बनाई, आपने अपना इन हाउस क्लिनिंग करने की कोशिश किया, स्टबल को साफ करने की कोशिश किया, 3 महीने का समय कम नहीं होता है, और पब्लिक डोमेन में आप ये सोचिए कि चलिए कुछ समय तक तो उस बात आई गई खत्म हो गई, ज्यादा पब्लिक लाइमलाइट में नहीं थी, नॉलेज में नहीं थी, लेकिन आप जो दोबारा ये बूम अप हुई है, ब्रीव अप हुई है, नाउ इट हैज रीच द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसके पास, इट इज आई मीन इट इज बिफोर द सीबीआई बेंच, चंद्रचूड़ साहब के, यू नो वी ऑल नो इट टू वेल, आई मीन ही इज अ वेरी आई मीन नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ जज, एंड ही इज गोइंग टू सर्टनली आई मीन टेक सर्टन आई मीन यू नो स्ट्रॉन्ग मेजर्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ हैरेसमेंट, एंड यू नो गवर्नमेंट गोइंग साइलेंट ऑन दिस इशू। तो अब तो मुझे मानना है कि पार्टी प्रेशर चाहे जितना हो, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नाउ, 3 महीने का समय बीत चुका है और अगले साल चुनाव है, गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा मौका था टू कम अप विद अ क्लीनर इमेज, जैसे उन्होंने जो उन्नाव के एमपी साहब थे, सेंगर साहब थे, ही वॉज सो मच डिसक्रेडिटेड एंड अल्टीमेटली द जुडिशरी हैड टू इंटरवीन एंड ऑन द यू नो ऑन द इनिशिएटिव ऑफ जुडिशरी गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड। तो अब एक पहले बात है कि वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली जो बात है, एक बार यू हैव ऑलरेडी सीन आई मीन व्हाट हैड हैपेंड आई मीन टू द आई मीन टू योर इमेज, इट सफर्ड आई मीन बिग बीटिंग। अब वही चीज दोबारा आ रही है जो आपने कहा शुरू के समय में, ब्रजभूषण साहब तो ठीक है ही वाज अ रिवोल्यूशनरी पर्सन, आई मीन वो चाहते ही वांटेड टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन द पार्टी इन द ओपन पॉलिटिक्स इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है वो बात थी, वो रिवोल्यूशनरी फेस था एंड ही मैनेज इट वेरी वेल, बट नाउ आफ्टर 40 ईयर्स डाउन द लाइन he has become a status quoist, he has become, I mean, anti-revolutionary, he has become a kind of reactionary, he is not responding, I mean, to his own acts, I mean, something, something to what he took lead about 4 decades back. So, आज तो दोनों की accountability बन गई है, जो जो ये जो WFI के president साहब हैं, जो sports ministry के cabinet minister हैं, इन दोनों की जवाबदेही हो गई है। 3 महीने का समय बहुत बड़ा, और last में बस एक मैं यही हमली बात कहना चाहूंगा, ये जो 7 जो महिलाएं हैं, दे आर ऑल रिस्पेक्टेड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ आई मीन हैज स्पोकन सो आई मीन ग्लोरिंगली आई मीन सो सो अप्लॉडिंगली सो अप्रिशिएटिंगली सो एडमायरिंगली फॉर दीज वुमेन एथलीट्स। अभी कैसे हो रहा है ये तो बहुत ज्यादा परप्लेक्सिंग सिचुएशन है, वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन ऑल्सो। एंड अब इससे पहले कि प्रधानमंत्री साहब तक ये पूरी बात वो तुम डिमांड कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर शुड आई मीन बी स्पीकिंग ऑन दिस पॉइंट, इससे तो पहले मैं लगता है कि और भी पार्टी हायरार्की के बड़े प्रभावशाली नेता हैं, दे शुड कम अप आई मीन दे शुड टेक अ बोल्ड स्टेप एंड दे शुड डू सम काइंड ऑफ क्लीनिंग वर्क। ठीक है मिनिस्ट्री लेवल पर बहुत सारी चीजें उलझी रहती है, नाउ यू हैव टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल जो गवर्नमेंट की हर गवर्नमेंट की टॉप मशीनरी पर होता है और उनको ये अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज यू नो अभी तो एक छोटा सा अभी तो एक पर्टिकुलर डोमेन में है, जितना ज्यादा आपने भी कहा शशिकांत जी ने भी कहा जितना ज्यादा ये मामला खिसेगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट यू नो विल बी कॉट इन अ ट्रैप, इट विल बी कॉट इन इट्स ओन वेब। आप किसी चीज को कुछ कुछ हद तक ठीक है गुप्ता साहब हमारे ठीक है गुप्ता साहब हमारे पास कुछ व्यूअर के सवाल हैं दर्शकों के सवाल हैं वो भी आपसे लेंगे इस हद तक कुछ क्वेश्चन। हाँ, प्रोफेसर दोनों मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, हमारे एक सब्सक्राइबर है आदित्य, वो पूछ रहे हैं कि जैसे ऑफकोर्स एक 2024 लोकसभा इलेक्शन में तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन इसके अलावा जो हरियाणा में चुनाव होंगे, जो स्टेट इलेक्शंस होंगे,
उसमें ये बीजेपी के लिए कितना कितना डेट्रीमेंटल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के पूर्व सीएम है हरियाणा से, वो भी जाके अपना समर्थन उन्होंने दिया है रेसलर्स को, तो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि ये ज़्यादातर रेसलर्स हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी को ये कैसे अफेक्ट करेगा? प्रोफेसर गुप्ता पहले अगर आप बोल पाए। और इस क्वेश्चन, प्रोफेसर गुप्ता, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और ट्विस्ट कर दूं। बेसिकली जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, उनका ये एलिगेशन है कि सारे रेसलर हरियाणा से हैं, और इसके पीछे जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, जो पिछले रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में ब्रिजभूषण शरण सिंह से चुनाव हार गए थे, वो सब और कुछ बिजनेसमैन हैं जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन से हटाना चाहते हैं। तो बेसिकली हरियाणा पॉलिटिक्स वर्सेस यूपी की पॉलिटिक्स, और उसमें कुछ कॉरपोरेट इन्वॉल्व है, वो सारा इन्वॉल्वमेंट का नतीजा है ये सारा जो फाइट चल रही है जंतर मंतर पे। ठीक अनिमेश, आप मैडम, ये पॉलिटिक्स असाइड, इफ यू कीप ऑल दिस, आई मीन पॉलिटिकिंग असाइड, हम तो ये कहते हैं इफ आई वर इन द प्लेस ऑफ श्री ब्रिजभूषण सिंह, ये मेरे ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगता, या इवन एट द मोमेंट वो, आई मीन द पब्लिक प्लेस दैट आई एम यू नो होल्डिंग एट द मोमेंट, कल के दिन कोई हमारे अगेंस्ट कोई एलिगेशन आता है कि साहब इन्होंने ये किया है, इफ आई एम क्लीन फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ माई हार्ट, आई विल ऑलवेज वेलकम यू गोइंग फॉर एन इंक्वायरी। अब आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराइए, हाईकोर्ट के जज से कराइए, किसी से भी कराइए, किसी पब्लिक एमिनेंट पर्सन से कराइए, व्हाई शुड आई बी फियरिंग? अब इस तरह के वाइल्ड एलिगेशन लगाना, अब पर्टिकुलर बिजनेस लॉबी इज बिहाइंड, कॉर्पोरेट लॉबी उसके अगेंस्ट है, तमाम तरह की चीजें, इट मीन्स यू वॉन्ट टू, आई मीन जस्ट ट्राई टू गिव फ्लिमसी आर्ग्यूमेंट्स। मेरा तो मानना है कि भाई हमने कहा सारे झूठे एलिगेशन है, जो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, WFI प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, सब झूठे हैं, इट इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सब कुछ उनकी बात, जस्ट फॉर अ मोमेंट इफ इट इज ग्रांटेड। आपको जब आप इतने, व्हेन यू आर सो यू नो कंफर्टेबल इन योर आर्गुमेंट्स, व्हेन यू आर सो कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर सेइंग, देन व्हाट इज द रीजन यू आर नॉट, आई मीन अग्रीइंग टू एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी? आपने 3 महीने तक तो अंदर ही अंदर सब कुछ खाया पकाया, और आज 3 महीने के बाद यू आर नॉट स्टिल इन अ पोजिशन टू कम आउट, आई मीन विद द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी, और अब जो फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अब क्या नहीं हो रहा होगा अंदर से? यू आर टेकिंग द पार्टी टू रैंसम, you are keeping the party to hostage to your, I mean trying to come up with a kind of fear psychosis, agar tum hamare against karoge I am going to spoil your game when it comes to me, aur jo aapne baat sir kaha ki haryana mein definitely it is going to, I mean play a big role in the haryana politics, because is samay by all accounts, I mean most something with all due respect to the ruling party there, to everyone, kuch anti incumbency develop hui hai, we are also in constant touch, I am not a party man, I mean hum to bas padhne padhane wale log hain, researcher hain, लेकिन इंक्वायरी क्लियर अभी तो आप देखिए पीटी उषा मैडम बोल रही है इसमें, नाउ यू शी हरसेल्फ हैज बीन अ लेजेंडरी यू नो एथलीट ऑफ इंडिया, we are so indebted to her because she brought the first, I think, she brought, I mean, a very rare gold medal, I mean, in Asian Games, as well as she missed by a whisker in the Olympics, or as she is taking, I mean, luxury of defending her, sab kuch everything is clear, discussion, you yourself, I mean, in a woman that way, or as aap apni women sisters ko aap nahi, I mean, अरे आप इस तरह से ब्लेटेंटली स्टेटमेंट दे जो आप दे रहे हैं, इट मींस आई मीन यू टू आर अंडर प्रेशर, आपका स्पोर्टिंग करियर ओवर हो गया है, बट योर इमेज इज स्टिल आई मीन वेरी डोमिनेंट, आई मीन एटलीस्ट इन द स्पोर्टिंग सर्कल्स ऑफ इंडिया, तो ये सब बड़ी बड़ी सब सिचुएशन है, और अंत में मेरा ये मानना है अगर सब कुछ साफ है तो एक इंक्वायरी गवर्नमेंट को करा देना चाहिए, ब्रिजभूषण हिमचर शुड टेक द लीड, और टेम्पररी पीरियड के लिए उनको अपने आप को डिटैच कर लेना चाहिए from the office, और वो कह सकते थे कि pending the, I mean publication of inquiry, I will remove myself from the post, and when everything is clear, then if government, I mean publish me, government invites me again to work office, then I will be, I mean coming to this assembly. Professor Pandey, अगर मैं आपको इस point पे, if I can bring you in,
ये पीटी उषा का जो स्टेटमेंट आया है, हाल ही में आया है, जो वो बोल रहे हैं कि इट इज़ शेमफुल कि रेसलर्स ऐसे दे आर ऑन द स्ट्रीट्स एंड इट इज़ ब्रिंगिंग शेम टू द कंट्री, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? ऑफकोर्स जैसे प्रोफेसर गुप्ता ने भी बोला, पीटी उषा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एथलीट्स इन आर कंट्री, उनका ऐसे तरीके के स्टेटमेंट आना इन द लार्जर पिक्चर फॉर द बीजेपी, आप कैसे देखते हैं? It's very unfortunate. Unfortunate in the sense that, you know, there is no doubt about the credibility, I mean, and the kind of laurel that PT Usha brought about to the country. But we should not forget that, you know, she is now appointed as, you know, she's heading a very top body of the country, and that is a government appointment. So definitely she is speaking on, as you know, she is representative of the government and not, you know, as a sports person. She should try to understand that they are not only, you know, these athletes, they too have brought laurels to the country, and they are equally well known, and apart from that, they are female as well. And this, she should try to understand the gravity of the situation. I would like to add one thing. Aapne kaha ki Haryana mein Nimesh ji ne kaha ki elections hain aur Deepak दीपेंद्र हुड्डा और कुछ बिजनेसमैन की लॉबी इस तरह से उनको मलाइन करने के लिए कर रही है, बड़ा सोचने का विषय है, बड़ा रेडिकुलस सा ये स्टेटमेंट लगता है कि ये कुछ वो लोग नहीं है जो कि कुछ नाम के लिए, कुछ पैसे के लिए वो ये काम करेंगे। मैं आपको बताऊं, कल मैं एक चैनल पे सुन रहा था कि जो इंटरनेशनली जो अक्लेम्ड जो रेसलर्स हैं स्वीडन से, हंगरी से, वो फोन करके वहां से पूछ रहे हैं कि इस केस में क्या प्रोग्रेस हो रही है। ये ग्लोबली नोन एथलीट्स हैं, इन्होंने ग्लोबल स्तर पे जो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता हुआ है। तो इस तरीके से अगर हमारे यहाँ अगर हम इस तरह से चीजों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा ये अनफॉर्चुनेट होगा। तो एक चीज तो ये है कि पहली बात ये कहना कि उसको लिंकअप करना कि वहाँ हरियाणा में चुनाव है और इनको आगे किया गया है और एक लॉबी वर्क कर रही है, मुझे लगता है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और दूसरी बात ये कि जो उन चुनाव पर क्या असर डालेगा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यार ये लंबा, जितना लंबा खींचेगा ये मुद्दा, डेफिनेटली ये उतना ही सरकार को जो है वो बैकफुट पर होगी। मुझे लगता है कि सुनर द बेटर, मुझे लगता है कि सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, अदरवाइज सरकार जो है वो डेफिनेटली जो है वो इसमें परेशानी में होगी इस मामले में। और रही बात एक मॉरल क्रेडिबिलिटी की, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह जी को कि उनके खिलाफ गलत ये आरोप लगाए गए हैं, तो एटलीस्ट टेम्पोररी उनको अपने आप को इससे खुद विड्रॉ करना चाहिए था। ही शुड हैव ऑफर्ड हिज रेजिग्नेशन, दिस इज हिज थर्ड टर्म, तीसरी बार वो इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, तीसरी बार वो अनअपोज चुने गए, तो ताकि ये इंक्वायरी जो है वो अपने आप होना चाहिए था, उन्हें तो खुद कहना चाहिए था। अगर उन्हें लगता है कि ही हैज अनब्लेमिश करियर, अनब्लेमिश रिकॉर्ड, तो उन्हें खुद कहना चाहिए था कि नाउ आई एम विड्रॉइंग और ठीक है ये let the inquiry begin. Why to, I mean, Supreme Court to intervene in this matter? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चीजें सब कुछ सामने आ रही हैं, ये दिखाई दे रहा है कि जो माइटी है, जो पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं चीजों को अभी भी इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में है। एक तरफ यही हमारे एथलीट्स मेडल जीत करके आए थे तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको वेलकम किया था, और अभी वो ये कहते हैं कि हम उनसे समय मांग रहे हैं, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो हमें समय नहीं मिल रहा है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये अभी इन सभी एथलीट ने आरोप लगाया है, और अगेन वो दैट इज वेरी वेरी सीरियस एलिगेशन दैट इज लेवल्ड बाय ऑल द आई मीन बी इट साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पुनिया, दैट यू नो दे आर बीइंग इंड्यूस्ड, उन्हें फाइनेंशियल एक तरह से लालच दिया जा रहा है, उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। तो अगर हम इतने जो बड़े लेवल पर जो हमारे लिए मतलब एक हमारे लिए सम्मान लाते हैं, जिनका इतना बड़ा नाम है, अगर वो इतने वल्नरेबल फील करेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल जो स्टार्ट करने वाले, जो करियर शुरू करने वाले जो लोग होंगे उसमें, वो उनकी क्या हिम्मत होगी और वो कैसे खुल करके बोल पाए। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी आई मीन कंसीडर। शंकर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू इन हियर, जो दोनों प्रोफेसर कह रहे हैं कि एक हो, ये हमने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पहले देखा है कि जब भी कोई अगर बड़े नेता के साथ भी ऐसा कुछ मामला हुआ है, फर्स्ट स्टेप होता है दैट फॉर द टाइम बीइंग उसको थोड़ा सा लाइमलाइट से आप हटा दें, उसको आप अपने पोजीशन से हटा दें, एंड फिर एटलीस्ट अगर इंटरनली कर भी नहीं रहे हैं कार्रवाई, एटलीस्ट ये दिखाने के लिए कि हम कर रहे हैं, ऑप्टिक्स के लिए आप कर सकते हैं।
ये अभी तक बीजेपी ने क्यों नहीं किया है? और उसके साथ ही और एक अगर सवाल मैं आपके साथ ऐड कर सकती हूँ, हरियाणा का जो सवाल मैंने इनको पूछा वो आपसे भी पूछना चाहती हूँ, गोइंग फॉरवर्ड व्हाट इज़ द बीजेपी स्ट्रैटेजी? क्योंकि कुछ तो वो सोच रहे होंगे कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। देखिए, अगर आप बीजेपी की पुरानी काम करने के तरीके को देखें, जब एमजे अकबर के ऊपर आरोप लगे थे, कई सारे जर्नलिस्टों ने उनके ऊपर सेक्सुअल एब्यूज के आरोप लगाए थे, तो बीजेपी ने काफ़ी दिनों तक उस मामले को देखा कि किस तरह से पब्लिक मूड किस तरफ जा रही है। अगर उनको लगता है कि पब्लिक मूड उनके अगेंस्ट है और पहले वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हैंडल कर लें, हो सकता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट करने से बात बन जाएगी, तो 2-1 दिन में मामला खत्म हो जाएगा, हेडलाइन मैनेजमेंट्स के जरिए मामला शांत पड़ जाएगा और व्यक्ति बच जाएगा। लेकिन जब एमजे अकबर के इशू पे वो मामला कई दिनों तक चला तो उन्हें हटाना पड़ा कैबिनेट से। उसके बाद आप देखें कि सेंगर का इशू, सेंगर के इशू में भी बीजेपी के कई सारे नेता बयान दे रहे थे कि सेंगर के पक्ष में जो पूरी लॉबी थी वहाँ पे यूपी बीजेपी की, वो खड़ी थी। उसके बाद आप देखें कि कर्नाटक में मिनिस्टर रमेश झरखरोली, जो कि जिन्हें कैबिनेट से हटाना पड़ा, इस समय कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगे, उनकी एक सीडी बाहर में आ गई और काफ़ी दिनों तक बीजेपी कोशिश करती रही कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। वैसे ही इस केस में भी है, पहले ये कोशिश ये थी कि एक ओवरसाइट कमेटी बना दो, कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी, 3-4 महीने निकल जाएंगे, मामला ठंडा पड़ जाएगा, उसमें सबकी बातें सुनी जाएगी, सारे जो रेसलर हैं वो शांत पड़ जाएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब दूसरी जो स्ट्रैटजी ये देखी जा रही है कि ये मामला किस लेवल तक जाता है, कहाँ तक दूध में कहाँ तक उफान आता है, और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो भी ये कैलकुलेशन कर रही है। और कई बार क्या होती है कि इस तरह के जब क्राइसिस होती है, कंट्रोवर्सी, उसमें बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो कोई कॉरपोरेट घराना इन्वॉल्व हो, कोई दूसरी, जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह ने थोड़े दिन पहले ही एलिगेशन लगाया था कि रामदेव इसमें इन्वॉल्व हैं। रामदेव का, बाबा रामदेव का एक अलग अपना बिजनेस एम्पायर है और उनके ऊपर उन्होंने एलिगेशन भी लगाया था कि वो जो घी होती है उनकी घटिया घी होती है और इसके सारे साधु संत को उनके खिलाफ इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो उनको लगता है कि चूंकि बाबा रामदेव भी कुश्ती वुश्ती करते हैं और उनकी वो फाइनेंशियल जो कॉरपोरेट्स हैं वो रेसलर को बैकिंग दे रही है इनके खिलाफ में, तो मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इस खेल में। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि प्लेयर्स इन्वॉल्व होने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी, जो इतनी बड़ी पार्टी है, उनके लिए कोई ऐसा व्यक्ति इंडिस्पेंसेबल नहीं हो सकता, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये इवन कैबिनेट मिनिस्टर, कि आप उसको बचाने के लिए अपनी पूरी नैरेटिव को, अपनी पूरी इमेज को दांव पे लगा दें। तो मुझे लगता है कि अभी नदी में कंकड़ फेंके जा रहे हैं और कंकड़ से कितना उबाल आएगा, अगर देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा उफान आ गया तो फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। हालांकि पार्टी के लोग ये कहते हैं कि वो किसी पार्टी पोजिशन पर नहीं है, वो कोई ऑफिस बेरर नहीं है, वो कोई कैबिनेट में नहीं है, तो उनको कहां से हटाया जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ आप एक्शन क्या ले सकते हैं? अगर वो वाइस प्रेसिडेंट होते, किसी जनरल सेक्रेटरी होते, वो कैबिनेट मिनिस्टर होते, तो आप उनको वहां से हटा देते। लेकिन ये सब आर्गुमेंट सब बचाने वाली बातें हैं, आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और या फिर ये दिखाना पड़ेगा, कि सामने लाना पड़ेगा कि ये सारे जो रेसलर हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जब इतने सारे रेसलर बैठे हुए हैं, अपनी सारी जिंदगी की कमाई उन्होंने स्टेक पे लगाया हुआ है, तो दाल में काला है और काले के आधार पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना जो आपकी इमेज है वो और डेंट होगी। कितना नुकसान आप सह पाएंगे ये कैलकुलेट करना है आपको। फाइनल कमेंट्स मैं आप दोनों से लेना चाहूंगी सर, ये इन द लॉन्ग रन आप जैसे शंकर ने बोला, क्या लगता है आपको इस मुद्दे के बारे में? ये कुछ ही दिन का मुद्दा है, जैसे हमने देखा था 3 महीने पहले भी रेसलर्स वो ऑन द स्ट्रीट्स, अभी वापस ये मुद्दा ज्वलंत हो गया है, कि क्या लगता है आपको, विल बीजेपी बी एबल टू पुट ब्रश दिस अंडर द कारपेट बाय जस्ट नॉट टेकिंग एक्शन, या फिर आपको लगता है दिस इज एन इशू जहाँ पे उनको जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नैरेटिव के मामले में बहुत बड़ा धक्का लगेगा बीजेपी को? प्रोफेसर पांडे, आप अगर पहले बोल पाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि रमेश जी ने कहा कि सरकार ने पहले तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके और ये कोशिश की थी इसको कि हशप करने की, ऐसा हुआ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स वो इस बात को माइनूटली ऑब्जर्व कर रही होगी कि हमें इसमें ये किस एक्सटेंड तक जा सकता है। हरियाणा इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसका इमीडिएट शायद कुछ, अगर ये मोमेंटम, क्योंकि अपोजिशन ऑफकोर्स इसमें अब इन्वॉल्व हो चुका है,
तमाम लीडर्स आप देखिए सतपाल मलिक से लेकर के उदित राज। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अनिमेश जी कह रहे थे कि वो किस पद पर है, उन्हें कहां से हटाया जाए, ऑफकोर्स अभी भी वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और उनकी पहली डिमांड है एथलीट्स की कि उन्हें वहां से हटाया जाए। और सरकार जो है निश्चित रूप से जब ये क्लेम करती है गवर्नमेंट की भाई हम करप्शन के खिलाफ है, ये हर तरह का ये ऑफकोर्स करप्शन के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही नहीं होता है, यहाँ मॉरल टर्पिट्यूड भी एक इशू होता है। तो ऐसे में जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो सरकार जो है वो वाकई एक अपना एक अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर प्रेजेंट करेगी अगर मुझे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन लेती है और फॉर द टाइम बीइंग अगर उन्हें सस्पेंड करती है तो। प्रोफेसर गुप्ता आप। जी मैडम, देखिए मेरा फ्रेंकली तो मानना है द गवर्नमेंट हैज मिस द बस, क्योंकि 3 महीने का जो समय था गवर्नमेंट के पास वो इन हाउस इंक्वायरी कराकर या जो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन था उसको कंप्लीट किया जा सकता था। और उस समय अगर आप ध्यान करिए ये जो एथलीट्स थे उन्होंने कहा था आवर स्ट्रगल और आवर मूवमेंट इज टोटली ए पोलिटिकल, इट इज नॉन पोलिटिकल, और उन्होंने डेलिबरेटली कहा भी था, उन्होंने बहुत ही दे मेड इट सो क्लियर कि वी डू नॉट वॉन्ट एनी पोलिटिकल पर्सनैलिटीज टू ज्वाइन आवर मूवमेंट, and that was a golden hour for the government to step in and to have done the corrective measures. उन्होंने नहीं किया और आज क्या हो गया। उस समय तो ये एथलीट्स ना सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे ना किसी नेताओं के या राजनीतिक दलों से कहा था, आज तो आप देखिए 3 महीने बाद कितनी रिवर्स हो गई सिचुएशन। तो मेरा ये मानना है कि 3 महीना ये जो आपने गोल्डन आवर था आपने मिस कर दिया, अब बहुत मुश्किल हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए, अब तो अगर बैक स्टेप करना पड़ेगा तो दैट विल आई मीन इज गोइंग टू ब्रूज देम एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट, दे विल नॉट आई मीन कम आउट यू नो विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्लेम, आई मीन दैट कांट बी टेकन बाय देमसेल्व्स। तो इनको तो अब तो दे शुड बी रेडी टू आई मीन टू एक्सेप्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ यू नो इमेज ड्रबिंग। तो अभी भी फिर भी अगर टाइमली है, अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट पहुंचा ही है, कुछ करना चाहिए इनको मेरा मानना है। और अभी देखिए पॉलिटिकली लॉन्ग टर्म में तो डैमेज होगा ही, आप गवर्नमेंट की इतनी जो स्ट्रॉन्ग एक इमेज है, एक अच्छी इमेज है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ही एंजॉय सच अ यू नो बिग क्लाउड इन द इंडियन पॉलिटिक्स। गुजरात में 5वीं बार हमारे मोदी साहब ने इलेक्शन जितवा दिया जस्ट ऑन हिज ओन स्ट्रेंथ, वहां तो पार्टी इतनी डिसक्रेडिट हो गई थी, पूरी पूरी गवर्नमेंट को उन्होंने ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया था इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। आज क्या हो गया है, आज तो ये हो गया कि जो छोटे लोग नेता है नाउ दे आर यू नो कॉलिंग द रूल्स। तो इसलिए इट्स हाई टाइम वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आई मीन पॉलिटिकल लीडरशिप इन द कंट्री एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दैट एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो दे शुड ट्राई टू यूज दीस प्लसेस दीस यू नो स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स इन द फेवर टू द फेवर। और अभी भी डैमेज कंट्रोल कर लेंगे और प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पीपल आर गोइंग टू टेक इट एट द फेस वैल्यू। तो इसलिए बजाय छुटवइयों से छोटे लेवल पे इसको इसको पूरा रफा दफा कराने का, अब इसको एक अर्जेंसी के साथ विद अटमोस्ट सीरियसनेस इसको इसको समाप्त करना चाहिए पॉलिटिकल ये जो कंट्रोवर्सी है, आई मीन अ फाइनल कैप शुड बी प्लेस्ड ऑन दिस। नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट को आप जुडिशियल एक्टिविज्म का मौका दे रहे हैं, एक उसकी जुडिशियल आउटरीच अनवॉरंटेडली बढ़ती जाएगी, फिर तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी देख लीजिए दिस इज अ परफॉर्मेंस, ऑन द वन हैंड यू क्लेम दैट यू आर एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ऑन द अदर हैंड हमारे इमोशन जो स्पोर्ट्स लेडीज हैं दे आर सफरिंग। और इसका एक अंत में क्या हुआ, एक सोशल इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा कि जो आज के समय में जो 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 पेरेंट्स हैं अपने 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 लड़कियों को डॉटर्स को भेजना चाहती हैं टू स्पोर्टिंग अरीना, हु वांट देयर डॉटर शुड बी बिल्डिंग अ स्पोर्टिंग करियर फॉर देमसेल्फ, वो तो दे विल बिकम अप्रिहेंसिव। जब ये वहां पर हो रहा है पूरी गवर्नमेंट के नाक के नीचे हो रहा है, ऑब्स्क्योर प्लेसेस पर क्या हो रहा होगा, बच्चों को मुंह बंद करके बस अपना भविष्य देखकर चुप मुंह बंद कर लेना पड़ता है, एंड दे कीप सफरिंग आई मीन ऑल दीस काइंड्स ऑफ मिसरीज। इसलिए बहुत बड़ा इसके रेमिफिकेशंस है एंड आई होप दैट गवर्नमेंट देयर आर सेंसिबल पीपल इन द गवर्नमेंट, देयर आर स्ट्रांग पीपल इन द गवर्नमेंट एंड दे हैव द रिक्वायर्ड विल पावर ऑल्सो। इस तरह के राजनेता आते रहेंगे, छोटे मोटे स्तर पर राजनेता आते रहेंगे, बट दे शुड नॉट बी अलाउड टू ब्लैकमेल द पार्टी, दे शुड नॉट बी अलाउड टू रिग द पार्टीज फॉर्चून्स इन द कमिंग इलेक्शंस या इन जनरल जनरल पब्लिक बहुत कुछ उम्मीद कर रही है, अदरवाइज यू विल ऑल्सो बिकम वन ऑफ द यू नो मेनी अपोजिशन पार्टीज। आज आपको 3/4 से ज्यादा बहुमत दोबारा इसलिए मिला है कि यू आर कंसिडर टू बी एज क्लीनर देन द रेस्ट वन। स्वच्छ भारत अभियान
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, तो केवल ये सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को भी उतना सैनिटाइज करना चाहिए, उतना क्लीन क्लीनलीनेस ड्राइव होना चाहिए। जो ऑफिस बियरर्स हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई है, नाउ द इशू इज वन ऑफ इंप्लीमेंटेशन, नाउ द इशू इज वन ऑफ विल पावर। द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव इन द राइट डायरेक्शन एंड दैट टू एट एन अर्ली डेट। सो दिस इज माय सबमिशन, अदरवाइज यू नो द गवर्नमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर डैमेजेस एंड दैट कुड रिफ्लेक्ट इन द जनरल इलेक्शंस। राइट सर। प्रोफेसर गुप्ता, प्रोफेसर पांडे, थैंक यू सो मच फॉर बोथ टू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शंकर, थैंक यू हमारे हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स। पॉलिटिकल अड्डा का ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा है और इसके इर्द गिर्द जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी न्यूज़ डेवलपमेंट्स हैं, उसमें हम, हमारी पॉलिटिकल टीम, हमारी लीगल टीम, हम सब आपको अपडेट्स देते रहेंगे और उस पर रिपोर्ट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।